हुए सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जन्म दिवस शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता उत्तम कापसे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भगत की प्रमुख उपस्थिति में युवा सेना उप प्रमुख प्रफुल्ल कापसे के कार्यालय में संयुक्त रूप से मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा का विधिवत पूजन कर माल्यार्पण कर मिठाई बांटी गयी। वैसे तो हर वर्ष हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जयंती विविध आयोजन कर बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, किंतु कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष यह आयोजन शिवसेना की वरिष्ठ कार्यकर्ता, शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, युवा सेना के पदाधिकारी एवं चुनिंदा लोगों के एक साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिवसैनिक उत्तम कापसे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की स्मृति में उनके त्याग एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को उपस्थितों से साझा करते हुए कहा कि आज राष्ट्र को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जैसी दूरगामी विचार वालों की कमी जरूर महसूस हो रही है। हम बाला साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही सच्ची सेवा कर सामान्य जनता को न्याय दिला सकते हैं, तथा मैं एक सच्चा शिवसैनिक हूँ, इसका मुझे गर्व है, ऐसे विचार व्यक्त कर विनम्र अभिवादन किया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल ने भी बाला साहेब की यादों को ताजा कर बाला साहेब ठाकरे ने सुझाए रास्ते व आदर्श पर चलकर ही हम एक मजबूत राष्ट्र की निर्मित कर सकते हैं, ऐसे विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक उपाध्यक्ष गोपाल घटे, नागपुर जिला युवा सेना उप प्रमुख प्रफुल्ल कापसे, तिलक मैसेरी, दिलीप घटे, महेश सकोले, प्रशांत कामोनी, आशीष धानोए, युवराज कुमारे, सुहास लाड़, स्वप्निल लाड़ेकार, दीपक पठानी, सुनील पारवे, राज चक्रवर्ती आदि ने प्रमुखता से उपस्थित रहकर अपने चहेते हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को अभिवादन किया। त्यांचे जे विचार होते राजकारणाप्रती, समाजकारणाप्रती, ते पुढे नेण्याचा सातत्याने प्रयास करू। आज शिवसेना आणि काँग्रेसची युती आहे आणि दोन्ही पक्ष मिळून चांगल्याने हा महाराष्ट्राचे कारभार सुरू आहे, यात काही शंका नाही की यासाठी बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपण बघू शकतो की बाळासाहेबांच्या स्वप्नाचा जो महाराष्ट्र आहे तो आपण नक्की साकार की नक्की साकार होईल। आज ज्या दिशेने पाऊल सुरू आहे सरकारचं, सरकार जे गोरगरिबांसाठी जनतेसाठी कार्य करत आहे त्या दिशेने पाऊल जे सुरू आहे ते नक्कीच बाळासाहेबांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल। वंदनीय हिंदू धर्म सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना नमन करून जे बाळासाहेबांचे स्वप्न किंवा बाळासाहेबांची जी प्रेरणा होती त्या प्रेरणाप्रमाणे आम्ही पण शिवसैनिक समजून त्यांच्याच प्रेरणेनुसार आम्ही कर्तव्य काम करतो। राजकारण आम्ही फक्त 10% करतो आणि समाजकारण 90% करतो। त्या प्रेरणेनुसार मी आज शिवसैनिक म्हणून या सावली विधानसभेत शिवसेना टिकून ठेवलेली आहे आणि समोर असंच कर्तव्य करणार आहोत।